कार्यकर्ताओं के अंदर बसने वाले ऐसे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हो गया है। आप सबसे विनती है कि आप सब लोग आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जोरदार कर्तव्य से स्वागत करने का करें। सभी सम्मानित हमारे जिले पटेल जी जो संचालन भी कर रहे हैं, यहाँ सभागार में उपस्थित ये अपने सांख्यिक रूप से 6 जिले और प्रशासकीय रूप से 4 जिले के सभी चुनाव प्रबंधन जो बना है विधानसभा का, उनके सभी राज्य के अंदर बैठक चल रही है। आज यहाँ अपने काशी मंडल की बैठक हुई और चुनाव प्रबंधन 2022 के लिए चुनाव जीतने की रणनीति, उस पर हम सब चर्चा किए हैं और कार्यकर्ता के दम पर और जनता के आशीर्वाद 2022 की हम सफलता प्राप्त करेंगे। जो हमारे सब नेताओं ने 300 प्लस का नारा दिया है प्रदेश अध्यक्ष के नाते और बूथ और मंडल सेक्टर के सभी कार्यकर्ता मिलकर हम सब उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और लक्ष्य प्राप्त करने के बाद जिस प्रकार अभी गरीबों की सेवा हम लोग कर रहे हैं उसी तरह गरीबों की सेवा करने के लिए सरकार बनाएंगे। बाकी दल गुंडों को महत्व देते हैं, माफियाओं को महत्व देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगे अगर योगी जी के नेतृत्व में गरीबों को महत्व दिया जाता है, गरीबों के कल्याण के लिए काम होता है, उनके विकास के लिए काम होता है। सर ये लगभग आसपास जो अपने सभी जैसे जौनपुर, चंदौली, काशी, गाजीपुर, ये सभी जिलों की यहाँ बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में लगभग जितने विधानसभा आते हैं ये सभी विधानसभाओं की चुनाव संचालन समिति की बैठक थी और ये तय हुआ है मतदाता सदस्यता अभियान, मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम अभियान, मूर्तियों का अभियान, ये सभी का कार्यक्रम के लिए ये आगे हम सर ओम पर वोट देंगे या गुंडागर्दी करने के लिए वोट देंगे, गुंडों को बढ़ाने के लिए वोट देंगे। आप सपा का शासन में गुंडागर्दी होता है, आज गुंडागर्दी समाप्त है, गरीबों का विकास हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है। सपा शासन में कभी भी गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए वंशवाद की पार्टियां, परिवारवाद की पार्टियां हैं। यहाँ पर आदरणीय मोदी जैसा तपस्वी नेता है, राज्य के अंदर योगी जैसा नेता है जो गरीबों का कल्याण, तांगिया मुसर थारू लोगों का भी सम्मान नहीं मिलता था, आज सभी को प्रधानमंत्री आवास मिला। बीजेपी बंद है और डर